धर्म के विषय में भारत में कभी भ्रांति थी ही नहीं, अनादिकाल से शिव अज सुखसन का दिक नारद, जे मुनि वर वे ज्ञान विशारद, सब करमत खग नायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। तुलसीदास जी ने शोध के पुराण सबे अंत में एक निर्णय दिया, आदि योगेश्वर भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु भी, क्यों विष्णु बिरंची शंभु भगवान ना उपजे जासुवंश ते नाना, ब्रह्मा शिव विष्णु ब्रह्म और सनत सनंतन सनत कुमार आदि योगेश्वर नारद सुख और व्यास, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर द्वापर तक का चित्र खींचा और सप्तऋषि वगैरह सब, सब का मत एक, करिए राम पद पंकज निहा। और रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंती अपिशो नर पशु बिनु पूछ भी खान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना यदि कल्याण चाहता है तो बगैर सिंह पूछ का पशु है, पशु में उसमें कोई अंतर ही नहीं, पूछ नहीं लटकी है, सिंह नहीं जमा है, पक्का बैल। भला महापुरुष अपनों को और कितनी ताड़ना दे। इसीलिए उत्तरकांड उत्तर है, सभी प्रश्नों का समाधान है, बाकी सब कांडों में उलझे हुए प्रश्न अंत में पूर्ण समाधान करते हुए उन महापुरुष ने कहा कि सृष्टि में धर्मात्मा कौन। तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, ओ धर्म परायण सोई कुलताता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मज्ञ धर्म का विशेषज्ञ है, धर्म का मर्मज्ञ है, कौन गुणी है, ज्ञाता है, पंडित है, दान दाता है, उसके पास देने लायक सामग्री है कौन कि राम चरण जाकर मन रहता। राम एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना, दक्ष सकल लक्षण युत सोई, जाके पद सरोज रति हुई। वो नीति निपुण है, परम शयाना है, वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना है, क्रिया में दक्ष है, भले ही स्कूल का मुंह ने देखा हो फिर भी वेदों का पारगामी विद्वान है। जन्म भर वेद पढ़ो, निर्णय तो एक ही मिलेगा कि परमात्मा ही सत्य, उसकी शरण जाओ। वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना है, क्रिया में दक्ष है कौन कि राम चरण जाकर मन रहता। राम एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। तो सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपजो विनीत। वो सारा कुल कृतार्थ है पार्वती, जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरण कमलों में अनुराग पैदा हो गया हो। वनवास का प्रथम दिवस था, घास की सैया पर बरगद के नीचे राम सीता घास पर लेटे हुए थे, लक्ष्मण पहरा दे रहा था, केवट भी अपने कार्यों से निवृत्त होकर आया, धनु ही लेके बाजू में बैठ गया पहरे में। जब इन विभूतियों को घास पर शयन करते हुए देखा, राम और सीता जी को, तभी भगत का हृदय एकदम भड़क गया, बोले भैया लक्ष्मण, ये विभूतियां घास पर शयन कर रही है तो विधाता ने सुंदर सैया का प्रबंध व्यर्थ ही किया, के कई कुटिल है,
कि कई नीच है, वो दुष्ट है, अभागिन है, अपने फलते फूलते वंश वृक्ष पर कुठाराघात किया है, दुष्ट है, लगा खरी खोटी सुनाने माता के कई को। लक्ष्मण ने कहा, नहीं भैया केवट, माता के कई का तो कोई दोष नहीं, कारण कि नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जगत में किसी को सुखी कर दे, किसी को दुखी कर दे, ऐसा कोई जन्म ही नहीं आज तक। अपने कृत कर्मों का भोग है भैया केवट। ये पीछे एक बार नारद जी ने श्राप दिया तो इन्होंने स्वीकार किया था प्रभु ने, कि नारद वचन सत्य में करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। नारद ने कहा, हमारा ब्याह बिगाड़े हो, तुम्हारी औरत भी चोरी चली जाए, हमारी तरह तुम भी बुलक बुलक रो, तो ये भैया अभी तो घास में सोए, आगे न जाने क्या घट जाए। ये उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वो संसार में है ही क्या, जोग माने मिलना, वियोग माने बिछुड़ना, जोग वियोग भोग भल मंदा, इते अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। ये हिते सी है, ये अनहिते सी है, मध्यस्थ है, ये सब भ्रम के फंदे हैं। राज चला गया, कुछ नहीं, धरणी धाम धन पुर परिवार, स्वर्ग नरक जहां लगी जग जालू। ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये सब जगत का जाल है। सके कहिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारत नाही। इनके विषय में कहना, इनके विषय में सुनना, इनके विषय में गुनना, मंथन करना मोह मूल है, परमार्थ कदापि नहीं। स्वर्ग के विषय में भी कहना सुनना गुनना मोह मूल है, परमार्थ कदापि नहीं। तो सखा परम परमार्थ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। परम परमार्थ, परम धन अर्थ केवल एक दिशा में, मन क्रम वचन से राम, उन परम प्रभु के चरण कमलों में प्रीति। यदि उन चरणों में प्रीति नहीं तो साइनबोर्ड लगा दो योगा अभ्यास, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहां न राम प्रेम पर धानु, ओषो सुख कर्म धर्म जरी जाओ, जहां न राम पद पंकज भाव। वो जोग नहीं कुजोग है, ज्ञान नहीं अज्ञान है, धर्म नहीं है वो अधर्म है, ज्ञान नहीं वो अज्ञान है, जहां न राम प्रेम पर धानु। एक परम प्रभु के चरण कमलों में प्रेम की प्रधानता, उतना ही धर्म है, और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है अधर्म है। धर्म की परिभाषा तुलसीदास जी ने गीता से ही ली है, गीता का प्रथम प्रश्न ही धर्म है। और अर्जुन ने कहा, गोविंद मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करिए, जरा मैं देख तुल लूं कौन सिर फिरे चले आए। गांडी उधारी अर्जुन से मुकाबला करने, अर्जुन में क्षमता थी कि पल भांजत अर्जुन हने छुए ने दूजो बाण। भीष्म से दुर्योधन ने परामर्श किया था पिता में, बलाबल का निर्णय करिए, तो बोले द्रोण एक महीने में विजय दिला सकता है, कृपाचार्य दो महीने में, बोले अस्वस्थ हमा, बोले जिंदा रहना चाहता है, ये पीठ दिखा के भाग जाएगा माफी मांग के, हमके मारो गैया मारो तो ये रोरवा नरक हो जाए, ये बामण है। और फिर भाग भी गया हाथ जोड़ के, है द्वितीय योद्धा लेकिन भाग जाएगा। करण बोले ओ कुछ नहीं अर्द्र थी,
मैं चाहूं तो 2 दिन में उछलने लगा दुर्योधन, बोले पांडव पक्ष में, बोले अर्जुन चाहे तो 1 दिन में, 1 घंटे में, 2 मिनट में। सबका चेहरा उतर गया, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं। वो हम बुजुर्गों का आदर करता है। अर्जुन ने बोला, गोविंद देख तो लूं मुझे किन किन के साथ युद्ध करना उचित है। देखा तो कांप गया एड़ी से चोटी तक, धनुष फेंक दिया, रथ के पिछले भाग में निडाल बैठ गया। बोले गोविंद मैं कदापि युद्ध नहीं करूंगा, इससे सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। बोले क्या है सनातन धर्म अर्जुन? जाति धर्मा सस्वतः, कुल धर्माश्च सनातन। 2 पॉइंट दिया, कुल धर्म सनातन धर्म है, जाति धर्म शाश्वत धर्म है। कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। वर्ण संकर कुल और कुल घातियों को नरक में ले जाने के लिए होता है। पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी, पितृलोक गिर जाएंगे, खाने बिना मर जाएंगे। हिंदुओं के पितृलोक, पितृ माता पिता दादा परदादा सब, उनकी कभी मुक्ति नहीं होती। वो कहीं गड्ढे में पड़े हैं, पिंड माने भोजन और उदक माने पानी। अब आपके लड़के बच्चे भोजन पानी दें तो जिए, नहीं तो सुई की नोक बराबर हो जाएंगे, मरेंगे कभी नहीं। मर जाएंगे तो फैक्ट्री ही स्वाहा हो जाएगी। अब वो छोड़ो पवारा नहीं बताएंगे, पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी। फिर अंतिम प्रश्न रखा, हम लोग समझदार होकर महान पाप करने को उद्यत हुए हैं, इस परंपरा का पालन करना पुण्य और न करना पाप। हम लोग समझदार होकर महान पाप करने को उद्यत हुए हैं, एक धक्का कृष्ण को भी दिया। हम समझदार, आप समझदार। रथ के पिछले भाग में बैठ गया, धनुष फेंक दिया, लेट गया। भगवान कृष्ण ने हंसते हुए से उन सारे प्रश्नों का एक उत्तर दिया, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितं अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। अर्जुन, इस विषम स्थल में घोर अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? न ये कीर्ति बढ़ाने वाला है, नहीं ये कल्याण करने वाला है, नहीं वरिष्ठ महापुरुषों ने भूल के इसका आचरण किया है। अनार्य जुष्टम, ये अनार्यों का चरित्र तुमने कहां से सीख लिया? जिसको अर्जुन धर्म धर्म कह रहा था और जिसके लिए वो प्राण देने पर तुला हुआ था, घोर अज्ञान, कल्याण जिसमें कदापि नहीं, कीर्ति भी कदापि नहीं, यश भी पड़ा रहे 1500 साल वो भी नहीं। वरिष्ठ पूर्वज महापुरुषों ने कभी भूल के भी कदम जिस पर न रखा हो तो अज्ञान नहीं तो और क्या है? अनार्यों का आचरण। तब अर्जुन ने समर्पण कर दिया, बोले भगवान इसके आगे तो मैं कुछ आता ही नहीं। जिसके लिए प्राणपण से मैं लगा था वो घोर अज्ञान निकला। तब सर्वांगीण समर्पण फिर अर्जुन ने किया, कार्पण्य 272 स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समुद चेता यत श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वाम प्रपन्नम्। यदि ये अज्ञान इसके आगे मुझे कुछ नहीं आता गोविंद, आप ही बताइए सत्य क्या है? सिद्ध है कि कायरता रूपी दोष ने मेरे स्वभाव को नष्ट कर दिया। धर्म विमूढ़ चेता, धर्म के रास्ते में मूढ़ नहीं विमूढ़, विशेष रूप से मूढ़ चित्त हूं, आप ही बताइए सत्य क्या है? लेकिन धन धान्य संपन्न साम्राज्य पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य, संपूर्ण देवताओं का स्वामीपन है, इंद्रपद में भी
मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके, मन में स्थित क्षोभ को मिटा सके। इसके आगे कोई सत्य हो तो बताइए। अर्जुन ने सोचा कि इसके आगे कहेंगे भी क्या। तब यहीं से गीता शुरू होती है, नाश तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टो अन्यस त्वन्योस तत्वदर्शी भी। अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों काल में अभाव नहीं है, वो मिटाया नहीं जा सकता। असत्य का अस्तित्व नहीं है, उसे रोका नहीं जा सकता। भला क्या है सत्य और क्या असत्य? अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, सनातन पुरुष है और भूतादिकों का भूत माने जीवित प्राणी, भूत प्राणी मात्र के शरीर नाशवान है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये है ही नहीं, इसलिए तू युद्ध कर। क्या पांडव पक्ष वाले शरीर अविनाशी है? इस आदेश दी ये सिद्ध नहीं कि अर्जुन कौरवों को मारे। आत्मा अविनाशी, अवद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशुष्येवचे, नित्य है, सर्वगत है, स्थानुर अचलोयम सनातन। अर्जुन ने कहा था कुल धर्म सनातन, जाति धर्मा शाश्वत। भगवान ने कहा आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही शाश्वत है, अवध्य है, शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकता, नित्य सदा रहने वाला शाश्वत सनातन पुरुष है, परम सत्य है। यदि इन आत्मा के प्रति हम श्रद्धावान नहीं तो हम सनातन धर्मी नहीं। अंतःकरण के अंतराल में सदा निवास से आत्मा है, सब में रहते हुए सबसे परे परमात्मा पर है, इसलिए परमात्मा है, सारी विभूतियों से युक्त है इसलिए विभु है, सबका भरण पोषण करता है प्रभु है। जन्म भर गिनते जाओ, विविध एंगल से विभूतियों का चित्रण है, वो तो अनिर्वचनीय है, पूरा नाम एक भी नहीं। वो ज्योतिर्मय है, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांक न पाव का, जिनके तेज के अंश मात्र से सृष्टि का सृजन पालन और परिवर्तन होता ही रहता है। आत्मा परमात्मा भगवान ईश्वर ब्रह्म ये उसी के विविध बृहद है, इसलिए ब्रह्म है। लेकिन अचिंत्य है, अगोचर है, चित्त का निरोध ही, जब तक चित्त का निरोध नहीं तब तू को प्रत्यक्ष देखने को नहीं मिलता। निरोध ही कैसे हो तो उसकी विधि साधना पद्धति यज्ञ है और उस यज्ञ को कार्यान्वित करना कर्म है। गीता के अनुसार योग विधि यज्ञ है, साधना पद्धति यज्ञ है, उसके लिए एक निश्चित विधि है। भगवान ने कहा पहले यज्ञ नहीं बताया, उसके लिए अर्जुन तू कर्म कर, चित्त का निरोध के लिए कर्म कर, एक निश्चित विधि है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ह्य कर्मणः, शरीर यात्रा पि चतेन प्रसिद्येद अकर्मणः। अर्जुन, शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को कर, कुछ कर डालना कर्म नहीं। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो शरीर यात्रा को सिद्ध करती है। शरीर यात्रा, लोग कहते हैं शरीर निर्वाह, कैसा शरीर निर्वाह? भगवान कहते हैं शरीर वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, जीर्ण शीर्ण वस्त्र को त्याग कर मनुष्य जैसे नवे शरीर को धारण कर लेता है, ऐसे ही भूतादिकों का स्वामी ये आत्मा जिस शरीर रूपी वस्त्र को त्यागता त्याग कर नवीन शरीर धारण कर लेता है। शरीर एक वस्त्र है, शरीर नाशवान, इसलिए तू युद्ध कर। हमने मारी डाला इन सबको तो क्या हो गया, ये 80 साल वाला शरीर चोला हट गया,
नया फुदकता हुआ शरीर मिल गया, हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। करोड़ बार अर्जुन मारे, करोड़ बार शरीर तैयार। शरीर मारने से मर जाएगा क्या? शरीर का आधार है संस्कार, एक संस्कार बाकी तो एक शरीर फिर बाकी मिल जाएगा हमको। अंतिम संस्कार का मिट जाना, शरीर के पुनर्निर्माण का कारण का मिट जाना, जब अंदर संस्कार है ही नहीं तो मन में संकल्प कहां से उठेगा, उद्वेग ही नहीं उठेगा। अंतिम संस्कार का मिटना, मन का अचल स्थिर ठहर जाना एक साथ घटित होता है, चित्त की निरोधा अवस्था है। इसके साथ ही शरीर निर्माण के कारण का भी मिट जाना एक साथ घटित होता है। तहां फिर इस चित्त की निरोधा अवस्था में भगवान आप में दृष्टि बनकर प्रवाहित हो जाएंगे, सामने स्वयं दर्शन स्पर्श और प्रवेश मिल गया। ये अंतःकरण की लड़ाई है गीता, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई है। एक बार विजय मिल गई तो शाश्वत विजय है। तो ये यहाँ शरीर यात्रा पूर्ण हो जाती है। एक जन्म लेना पड़ा तो एक शरीर तक की यात्रा आपकी बाकी। नियत कर्म क्या है? तो यज्ञ, यज्ञ को यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ को कार्यान्वित करना कर्म है। तो यज्ञ एक कोई निश्चित विधि होनी चाहिए। इसके सिवाय जो दुनिया व्यस्त है, रात दिन खटती है, क्या कर्म नहीं करते? बोले कदापि नहीं। अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनम, इस यज्ञ के सिवाय अन्यत्र जो कुछ किया जाता है इसी लोक का एक बंधन कर्म है अर्जुन, इस लोक में बांधने वाला उपाय है। इसलिए तदर्थम कर्म कौन ते यह मुक्त संग समाचर, संग दोष से अलग रहकर इस यज्ञ की पूर्ति के लिए भली प्रकार आचरण कर। या तो खाली यज्ञ आया कहां से, यज्ञ देता क्या है बताया, चार में यज्ञ की विधिवत व्याख्या दिया 13-14 तरीके से। हृदय में देवी संपत्ति अर्जन करना, एक ब्रह्मनिष्ठ होना, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करना, सर्वानन इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चात्रे आत्म संयम योगाग्नो जुवती ज्ञान दीपिते। आगे चल के बहुत से योगी लोग श्वास को प्रश्वास में, प्रश्वास को श्वास में हवन करते हैं। श्वास आई तो ओम गई तो ओम, श्वास प्रश्वास की गति को रोककर प्राणायाम के प्राण हो जाते हैं। न भीतर से संकल्प उठा, न बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश किया, ये प्राणायाम की अवस्था। सब मिलाकर ये योग साधना है, भजन की विधि है यज्ञ। ये मन का निरोध करने वाली विधि है यज्ञ। प्राणों के व्यापार पर जब विराम लग गया है, चित्त की निरोधावस्था है, इसके साथ ही यज्ञ अपना परिणाम दे देता है। यज्ञ सृष्टा मृत भुजय अंतो ब्रह्म सनातनम, यज्ञ जो अवशेष छोड़ता है वो है ज्ञानामृत। आत्मा ही अविनाशी है, सत्य है, उस अमृत का ज्ञान, उस आत्मा का साक्षात्कार, साक्षात्कार के साथ मिलने वाली अनुभूति, जानकारी, ज्ञान, ज्ञानामृत को पान करने वाला तत्सन सनातन ब्रह्म में स्थित हो जाता है। करने का अधिकार किसको है? इस दो हाथ पैर वाले मनुष्य को। नायम लोकोस्ति यज्ञ से कुतो अन्य पुरुषोत्तम, यज्ञ रहित पुरुष के लिए दोबारे मानव तन भी सुलभ नहीं है तो भला परलोक कैसे सुलभ। तो वो यज्ञ जिसके परिणाम में अमृत का भोजन सनातन ब्रह्म में स्थिति मिलना है, करने का अधिकार उन सबको है जिन्हें मानव तन उपलब्ध है। जन्म मानव तन चाहे उत्तरी ध्रुव पे हुआ हो चाहे भारत में, इसलिए भारत विश्व गुरु है। अर्जुन ने तुरंत प्रश्न कर दिया, बोले भगवान जिस यज्ञ का परिणाम अमृत का भोजन ज्ञानामृत सनातन ब्रह्म में स्थिति, उसको मैं कैसे जानूं? तो बोले तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने से विया
उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा और प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो। वे तत्व के ज्ञाता तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। उनसे जान लेने के पश्चात तुम्हें जीवन में कभी संदेह नहीं होगा। यज ज्ञात्वा पुनर्मोहमेवम यास्यसि पांडवा। कभी संदेह नहीं होगा कि ये रास्ता सही या वो सही। उन्होंने कह दिया, हम जान लिए, काम चल जाएगा। बोले नहीं नहीं, ज्ञाने न सदृशम पवित्र मीह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उसको तुम स्वयं योग के आरंभ में नहीं, मध्य में नहीं, परिपक्व अवस्था काल में आत्मनि विन्दति हृदय देश में प्राप्त कर लोगे। गीता एक प्रत्यक्ष दर्शन है। तो तत्वदर्शी की शरण भेजा, दस भाषा के विद्वान के पास नहीं। गीता के अनुसार परम तत्व एक परमात्मा है। 18 अध्याय में कहा, अर्जुन तत्व की चाह वाले पुरुष को चाहिए कि गीतोक्त योग विधि साधना पद्धति को धारण करे और सारी विधि को धारण करके एकांत सेवन करे। सन्यासी को चाहिए धारणा ध्यान समाधि, जब भली प्रकार सद जाते हैं धारणा ध्यान समाधि, इंद्रिय संयम मनो निग्रह और काम क्रोध राग द्वेष ये विकार जब शांत हो जाते हैं, उस वक्त वो ब्रह्म को जानने के लिए योग्य होता है। इस योग्यता का नाम है पराभक्ति। भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर है, भक्ति अपनी परिणाम देने की स्थिति है, मैं है। पराभक्ति के द्वारा वो तत्व को जानता है। भला तत्व है क्या? भला वो मुझे जानता है। मैं अजर अमर ज्योतिर्मय जिन अलौकिक गुणधर्मों वाला हूँ उसे जानता है। मुझे जानकर तत्सन वो मुझ में ही स्थित हो जाता है। प्राप्ति काल में भगवान दूसरे सन भगवतीय गुण धर्मों से परिपूर्ण अपने को पाता है। वो तत्वदर्शी है। ऐसे महापुरुष की शरण जाओ। तो कोई विद्वान ही गीता पर विश्लेषण करके नहीं इसका निर्णय ले सकता है। तत्वदर्शी की शरण भेजा और इसलिए आत्मा ही सत्य है। भूतादिकों के शरीर नाशवान है, परम तत्व परमात्मा है। उस जिसने विदित किया हो उसकी शरण जाओ। तो यह चरित्र जान नहीं मुनि ज्ञानी जिन रघुवीर चरण रति मानी। इस धर्म की परिभाषा देते हुए भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचेः। अर्जुन ने बहुत गठड़ी बांध रखी थी, सबको दूर फेंक, एकमात्र मेरी शरण हो जाए, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। मन मनाभव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि मे। मुझ में बुद्धि लगा, मन लगा, मेरा अनन्य भक्तों मेरा ही हरजम चिंतन कर, मैं सत्य कहता हूँ तू मुझ में निवास करेगा। एक परमात्मा की शरण धर्म। धर्म धार्मिक बनने के लिए किसी पुण्य आत्मा की जैसा कोई डिग्री नहीं चाहिए। उंगली माल है तो काम चलेगा, बाल्मीक है तो काम चलेगा, पाप करते हो तो एक फैक्ट्री और खोल लो चलेगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय है ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम। मैं समस्त प्राणियों में सम हूँ, मेरा न कोई प्रिय है न अप्रिय है, किंतु जो अनन्य भाव से मुझे भजता है मैं उसमें हूँ और वो मुझ में है। मेरा यही एक रिश्तेदारी है, वही मेरा एक रिश्ता है जो भजता है। मुझे भजने के लिए किसी पुण्य का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपिचित सु दुराचारो बसते माम अनन्य भाक साधुरेव से मंतव्य सम्यक विवशितो हिष।
अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से जो मुझे बसता है, अनन्य माने अन्य न, मुझे छोड़कर अन्य किसी देवी देवता को न बसते हुए केवल मुझे बसता है, वो साधु मानने योग्य है। कौन वो दुराचारी? क्यों? यथार्थ निश्चय से लग गया है, यथार्थ में जो सत्य है, तत्व है, उसका निश्चय वहां स्थिर हो गया है, किन्हीं अंशों में उस सत्य को अपने में साधा है, इसलिए साधु मानने योग्य है। और श्री परमभवती धर्मात्मा सरस्वत शांति में निगच्छति, कौन तेय प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणसति। वो दुराचारी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, उन परम तत्व परमात्मा को धारण करने की क्षमता वाला हो जाता है, सदा रहने वाली शाश्वत शांति प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। एक परमात्मा की शरण धर्म गीता, और गीता ही आदि शास्त्र है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपास्ते शरदधाना मत परमा भक्तास्ते तेव मे प्रिय है। भक्ति योग 12वां अध्याय के अंत में कहते हैं, अर्जुन इस धर्म में अमृत को यथावत जैसे जैसे कहा गया वैसे जो पालन करता है, वो भक्तों में भी अति उत्तम भक्त मुझे मान्य है। गीता एक धर्म में अमृत है, पिछला श्लोक अगले श्लोक को जन्म देता है, क्रम क्रम से है, एक चैन की तरह है, एक माला की तरह गुथा हुआ है, मात्र 700 श्लोक। और धर्म के विषय में एक भी कहीं गुंजाइश नहीं है कि हम कहीं अन्यत्र ढूंढते फिरे। और विश्व का आदि धर्म शास्त्र गीता है। दो हाथ पैर वाला मनुष्य बाद में जन्मा है, गीता पूर्व प्रकाश में आ गई। क्यों? कि भगवान कहते हैं इस अविनाशी योग को आदि में मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने विवस्वान मनु से कहा। मनु से जायमान होने से आप लोग सब मनुज कहलाते हो, जय माने जायमान होता है। और मनुष्य मनुष्य शत्रुपा से सृष्टि प्रारंभ हुई, उनको भी सूर्य से कहा, मैंने अविनाशी योग को सूर्य से कहा, सूर्य ने व्यवसान मनु से कहा, अपने पुत्र मनु से। हाथ में तो कुछ दिया नहीं था, कागज कलम था ही नहीं कि लिख लेते, कही सुनी बात तो इस स्मृति में ही धारण की जाती है। मनु महाराज ने इस स्मृति में धारण किया, इस स्मृति की परंपरा देते हुए महाराजा एक सिवाकु से कहा कि स्मरण करो, कौर परंपरागत चलाओ, उनसे राजर्षियों ने जाना। इस महत्वपूर्ण काल से अविनाशी योग इसी पृथ्वी में लोप हो गया। योग अविनाशी, विनाश तो कभी होना ही नहीं है, लेकिन मनुष्य के भूल जरूर गया, उचित से उतर गई, वही पुरातन योग। अर्जुन मैं तेरे प्रति कहने जा रहा हूं, तू प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है, ऐसा कुछ भी नहीं तुझे न दे सकूं। पहले भी मैंने ही कहा था, आज भी मैं ही कहने जा रहा हूं। अर्जुन ने बहुत तर्क वितर्क किया, आपका जन्म अब हुआ, सूर्य का बहुत पुराना, आप ही ने कहा था, कैसे विश्वास करूं, लगा प्रश्न परिप्रश्न करने। 18 अध्याय के आरंभ में एक प्रश्न करके चुप हो गया। संन्यास और त्याग का अलग अलग बताइए भगवान, विश्लेषण करके चुप हो गया। तब भगवान ने कहा, अर्जुन मेरे उपदेशों को तुमने एकाग्रचित होकर श्रवण किया, क्या तुम्हारा मोह से उत्पन्न ज्ञान नष्ट हुआ? तब साधन नमन करके अर्जुन ने कहा, गोविंद नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्पश्चादात्मा याच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिसे वचनम तब। मोह से उत्पन्न ज्ञान नष्ट हो गया भगवान, स्मृति लब्धा, जो मनु महाराज ने स्मृति की परंपरा दी थी, मैं उस स्मृति को प्राप्त हुआ। आपने जो कुछ कहा मैंने भली प्रकार स्मृति में धारण कर लिया, क्योंकि भगवान ने हाथ में तो कुछ नहीं दिया था, जमानी तो कहा था, क्या पूर्वजों की बुद्धि थी, एक बार सुन लिया, पुस्तक की पुस्तक स्मृति में धारण कर लिया। आजकल लड़के साल भर पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, तभी दो नंबर कमी पाते हैं। स्मृति को प्राप्त हुआ गोविंद,
आपके आदेश का पालन करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। और धनुष उठा भी लिया, युद्ध भी हुआ, विजय भी हुई, एक धर्म साम्राज्य की स्थापना हो गई। धर्मात्मा नरेश अभिषिक्त हुए उस गद्दी पर, युधिष्ठिर, और एक धर्मशास्त्र गीता घर घर में, बच्चे बच्चे के हृदय में, झोंपड़ियों में प्रसारित हो गई। तो आदि से करोड़ों वर्षों से गीता आपका धर्मशास्त्र रहा, विस्मृत हुई तो द्वापर में पुनः प्रसारित ज्यों का त्यों, बीच में हल्का सा झटका लगा तो फिर गीता ज्यों की त्यों, नहीं संदेह है न भविष्य में होने की संभावना है। भगवान कृष्ण ने अध्याय 15 के अंत में कहा, इति गुह्ये तमम शास्त्रम मिदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृतश्च भारत। ये गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र, अब गुप्त तो कुछ भी नहीं बचा है। मेरे द्वारा कहा गया, इसको जानकर तुम कृत कृत्य हो जाओगे। समग्र केवल ज्ञान और परम से को परम शांति धाम पा जाओगे और सर्वस्व प्राप्त कर लोगे। अर्जुन, और भी कोई तरीका है? तो कहते हैं कदापि नहीं। या शास्त्र विधि मुत्सृज्य, 16 के अंतिम दो श्लोक, या शास्त्र, ये गीता शास्त्र है, या शास्त्र विधि मुत्सृज्य सेवते कामकारता न च सिद्धिम न वापनोति न सुखम न पराम गति। इस शास्त्र विधि को त्याग कर अन्य अन्य विधियों से जो भजते हैं उनके जीवन में न सुख है, नहीं सिद्धि है और नहीं परम गति है, सबसे भ्रष्ट हो जाता है। हम वाकाणी मथा पिची कर रहे हैं। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्री प्रमाण है गीता। भली प्रकार अध्ययन करके मनन करके तुम आचरण कर, तुम मुझे प्राप्त होगा, मेरे अविनाशी ज्योतिर्मय स्वरूप को प्राप्त कर लोगे अर्जुन, कोई संदेह नहीं है। तो लोक में समृद्ध जीवन, सर्वांगीण शांति और परम श्रेय का स्रोत है गीता, आपका शास्त्र गीता है। मनु दीर्घ जीवी थे, मनुष्य पहले सृष्टि नहीं थी, आप परले था कि ठीक था किसको क्या मालूम, किसने हिसाब रखा था। मनु ने एक परले भी देखा, भगवान ने परीक्षा ली, मनु उत्तीर्ण हुए। तो मनु महाराज, भगवान ने कहा, मनु तुम्हारी सृष्टि को मैं बचा लूंगा, मैं मत्स्य रूप में आऊंगा परले में, सुदृढ़ नाव में मजबूत रस्सी को मेरे सींग में बांध देना, मत्स्य के सिर पे सींग होगा, बांध देना, मैं पार लगा दूंगा। जहाँ रस्सी बंध गई तो ताल तरंगों पर मत्स्य लगा तैरने, नाव हिचकोलें खाने लगी, कुछ ही समय वो मत्स्य भगवान के रूप में परिवर्तित हो गया। लगा उपदेश करने, मनु महाराज उन उपदेशों को लगे समेटने, पार होते होते चारों वेद उतर आए, उनका नाम रखा सुरति, ये श्रवण करने योग्य है। गीता का नाम रखा था स्मृति, कि स्मृति पटल पर सदा विद्यमान रहे, और इसका सुरति कि श्रवण करने योग्य है, भूल जाना तो फिर श्रवण कर लेना। चार वेद ब्रह्मा ने बनाए थे, तो जब परले की बिभीषिका आई तो ब्रह्मा को हल्की झपकी आ गई, है ग्रीव नाम का राक्षस उठा ले गया, मत्स्य भगवान ने उसको तो मार डाला, विधाता की थाती उनको दे दिया, विधाता खुश हो गए। वास्तु शास्त्र आयुर्वेद और वो धनुर्वेद और कौन कौन व्याकरण और कौन कौन, उसमें सब आता है विधाता के वेद में, और उपनिषद वगैरह इसमें आता है ज्ञान कांड में। मनु महाराज ने जो ग्रहण किया,
गीता का ही विस्तार है वो वेद जो उतरा था, लेकिन संपूर्ण शास्त्र गीता है। गीता सभी शास्त्रों की जननी है। बस विश्व में कहीं बैठ के कोई एक ईश्वर पढ़ रहा है वो गीता का ही पद चिन्हों पर चलने वाला पथिक है। हम नहीं जानते कि दुनिया में कोई मुसलमान है, ईसाई है, कुछ है, बुद्ध है, जैन है, कबीरपंथी है, किसी न किसी रूप में कोई न कोई क्लास चल रही है। और लेकिन आधी दूरी तय करने के बाद गीता हाथ में आ जाएगी तो आपके हैं, आप ही के, आप उनके हैं। इसलिए फिर वो भेद चाह कर भी आप नहीं डाल पाओगे, न वो डाल पाएंगे। इसलिए गीता हो सके, हो क्या सके, गीता सबके हाथ में होनी चाहिए। और गीता में जो प्रश्न पैदा होते हों, चार बार पढ़ लो, छह बार पढ़ लो, खत्म हो जाएंगे। एक किस्सा सुनाते थे गुरु महाराज, एक नमक के पेड़ पर चींटी रहती थी, एक मिस्री के पहाड़ पर रहती एक नमक पर, मेहमानी में आया जाया करे। तो मिस्री वाली कहे, बहन जी आपका तो नमक लगता है कड़वा कड़वा। और बोले, तुम दुबली हो गए, चलो हमारे मिस्री वाले में। तो वहाँ तो बोले, भैया हमें तो नमकीन ही लग रही तुम्हारी मिस्री। तो बोले, मुंह खोलो तुम, नमक की डली लिए रही, बाजू में दबाए रही, एक तरफ गाल में निकाल के फेंक दिया, तब उसको भी मिठास मिलने लगा। तो हमारी समझ में नहीं आ रही, तो हम कहीं नमक की डली घुसा रहे हैं रूढ़िया वाली, जब तो वो नहीं निकलेगी तब तक मिठास नहीं मिलेगा। फेंको रूढ़ी, जिन भगवान, आखिर हम मर खप के भगवान ही को तो चाहते हैं। अब भगवान को चाहने के लिए भगवान की वाणी नहीं लोगे तब फिर भगवान को कैसे मानोगे? भगवान क्या अंधे का नाम है? सबके उरे अंदर बसत जानत भाव को भाव, ईश्वरे सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यं सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया। धर्म बदलता ही नहीं, धर्म अपरिवर्तनशील है। भगवान कहते हैं इसमें आरंभ का नाश नहीं, नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पम पश्य धर्म से त्रायते मैं तो भयात्। इसमें आरंभ का नाश नहीं। बीज अंकुरित हो गया, दो पत्ती जम गई, तो पेड़ होगा, फूलेगा, फलेगा, आपको मिलेगा। सृष्टि में कोई बचरा पात नहीं कि उसको कुचल दे, मसल दे, बदल दे। दो कदम चलते बन गया, सांस के रहते रहते तो अगले जन्म में तीसरा ही कदम उठेगा और आगे पड़ेगा। भगवान कहते हैं अगले जन्म में विषयों में आकंठ डूबा हुआ होने पर भी पिछले जन्म में जहाँ साधना छूटी है उसके बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा। और सदगुरु ढूंढना नहीं पड़ता, गुरुकुल भवती, गुरु के कुल में प्रवेश पा जाएगा। और इस प्रकार ये शिथिल प्रयत्न वाला साधक भी अनेक जन्म संसिद्धि तत्वयाति परम गति, अनेक जन्मों की प्रेरणा में उस परम गति को प्राप्त कर लेगा। गीता एक जीवन बीमा है। शिथिल प्रयत्न वो करता है जिसके ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं, जैसे आप लोगों के ऊपर। साधु होकर शिथिल प्रयत्न करता है तो अभागा है, हमें लगता है रसमलाई में परच गया और का है। और सर, आखिर न बहन है न बिटिया है न कुछ है ये नहीं, तब शिथिल काय करते। इसलिए मानव मात्र के लिए, आप मानव मात्र के गुरु हो भारतवासी, लेकिन आपको सीखने के लिए इन संतों के चरणों में आना ही पड़ेगा। मति की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाए। आरंभ का नाश नहीं, सीमित फल रूपी दोष नहीं कि स्वर्ग वैकुंठ रिद्धि सिद्धि में भरमा के खड़ा कर दे, ऐसा दोष नहीं। इसलिए स्वल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायते मैं तो बयात, उस आत्मदर्शन की नियत विधि नियत क्रम कहलाता है, उसका स्वल्प अभ्यास, स्वल्पम मपस्य धर्मस्य, उस क्रम का स्वल्प अभ्यास ही धर्माचरण है और कोई धर्म नहीं है सृष्टि में।
गीता को 4-6 बार पढ़ लो, हृदयंगम हो जाएगा। तुलसीदास जी ने उसी का विस्तार दिया सरल भाषा में, त्रायते में तो भयात। और इसमें व्यवसायत्मिका बुद्धि है रेके कुरुनंद में, क्रियात्मक बुद्धि एक ही है, परिणाम एक ही है, दर्शन स्पर्श और स्थिति। बहुत सी क्रियाएं बताते हैं, अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखा वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं को रच लेते हैं, दिखावटी शोभा युक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं, वो जन्म मृत्यु रूपी अनंत फल को भोगते हैं कि कुछ पाते हैं। गीता एकदम आईने की तरह पारदर्शी है, आपका शास्त्र है। काशी के समस्त विद्वत मंडली से अनुरोध है संतों से कि गीता आप लोग संभालें, एक शास्त्र भारत को दें। सभी शास्त्र आदरणीय हैं, लेकिन एक शास्त्र जो आदि शास्त्र है, सब शास्त्र उसी का विस्तार है, एक शास्त्र दे। महापुरुष जब भगवान की गोद में पहुंच जाता है तो भगवान पढ़ाया करते हैं, उनके लिए रोज ही वेद उतरा करता है, अपुरुष से पानी उतरा करता है। कबीर उसी के पढ़े लिखे थे, हमारे गुरु महाराज उसी के पढ़े लिखे थे। कहा करें वो शरीरिया पढ़े लिखे नहीं है, आत्मवा अंग्रेजियों जानते हो, कोई अंग्रेजी बात करे मैं बता दे वही का कहते, और बिल्कुल सच सच बता दे। चलो ना।